हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हिना से सुबह सुबह कहीं भाग के जा रही होती है और फिर वो हानानोई के पास पहुंच के उसे गुड मॉर्निंग कहती है और फिर हानानोई भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है और हिना से मन में सोचने लगती है कि आज से मैं हानानोई की गर्लफ्रेंड हूँ। और हानानोई हिना से को देख के ब्लश करने लगता है और कहता है कि एंजल। ये सुन के हिना से कहती है क्या कहा, तो वो कहता है क्या मैंने इतने जोर से बोल दिया। और हिना से मन में कहती है ये सब थोड़ा सा अजीब है। फिर वो दोनों साथ में स्कूल जाने लगते हैं और फिर हिना से को ठंड लग रही होती है तो वो अपने हाथों में फूंक मार रही होती है। तो ये देख के हानानोई कहता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है, क्या तुम अपने ग्लव्स नहीं लाए। तो हिना से कहती है कि नहीं आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ इसलिए अपने ग्लव्स लाना भूल गई। तो हानानोई कहता है कोई बात नहीं ये लो मेरे ग्लव्स, वो तुम ले लो। तो हानानोई से हिना से कहती है नहीं नहीं शुक्रिया इसका तुम्हारे लिए, पर मैं ये नहीं ले सकती। तो हानानोई कहता है चलो कोई बात नहीं। तो हिना से कहती है क्या मुझे ये करना चाहिए था, क्या मैंने ठीक करा ये सब। हिना से को उसकी फ्रेंड क्यो की बात याद आती है कि क्यो ने उसे कहा था कि तुम रिलेशनशिप में केयरफुल रहना और अपने बॉयफ्रेंड को कभी भी एम्बेरस मत फील कराना। और तब वो अपने आसपास के कपल्स को देखने लगती है और कहती है कि मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और हिना से कहती है कि मैं हमारी पॉलिसीज डिस्कस करना चाहती हूँ। तो हानानोई कहता है मतलब क्या। हिना से कहती है मेरा मतलब ये कि तुम डेट करते वक्त क्या करना चाहते हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, मतलब तुम्हें उससे क्या चाहिए। हानानोई कहता है कि सोचने दो मुझे और कहता है कि शायद मेरे ख्याल से एक दूसरे के अगल बगल में ही दफन हो जाना। हिना से ये सुन के अपने मन में कहती है कि ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। हिना से कहती है हानानोई मेरा मतलब ऐसा नहीं था, मेरा मतलब था कि लाइक जैसे नॉर्मल किसिंग हगिंग और सिर्फ चीजें विस्परिंग करना। ये सब कुछ सुन के हानानोई हिना से कहता है क्या तुम्हें इस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए। तो ये सुन के हिना से एकदम शॉक हो जाती है और वो कहता है कि तुम्हें अभी इतनी जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। और कहता है कि मैं तुम्हें खुद से प्यार करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ तुम नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में शिवाबू कहती है हिना से कि मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट करने लगोगे। वहीं बगल में से क्यों कहती है कि मैंने ऐसा एक्सेप्ट नहीं करूंगी भले ही ट्राई क्यों ना हो, पर ऐसे मेरे हिना से को छीन लेना मुझसे। हिना से कहती है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, हानानोई ही सब कुछ कर रहा है जिससे मुझे भी फील हो कि मैं किसी को प्यार कर रही हूँ। और फिर इनसे पूछती है कि गर्लफ्रेंड को क्या करना चाहिए। और अगले ही दिन हानानोई हिना से को कुछ नोट्स बुक देता है। हिना से कहती है कि ये क्या है, तो हानानोई कहता है कि अभी फाइनल्स आने वाले हैं तो मैंने तुम्हारे लिए हर एक सब्जेक्ट के IMP नोट्स बना लिए हैं। हिना से कहती है क्या तुमने सिर्फ एक रात में ये सारे नोट्स बना लिए हैं। और फिर उसकी आँखें देख के कहती है क्या तुम कल रात सोए नहीं हो। और तभी स्कूल की बेल बज जाती है तो हानानोई है जाने लगता है। तो हिना से मन में कहती है कि मुझे कुछ करना होगा और उसे रोकती है। और तभी हानानोई उसके पास आता है और उसके सर पर हाथ रख के उसे कहता है कि चलो कोई बात नहीं है अभी छुट्टी में मिलते बाय, ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिवाबू कहती है नोट्स तो काफ़ी अच्छे हैं। तो हिना से कहती है कि मुझे लगता है कि वो मुझे बिगाड़ रहा है। तो शिवाबू ये कहती है कि नहीं अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें ये करना तो बनता ही है। तो क्यों कह रही है मुझे लगता है कि पर वो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। तभी हिना से कहती है कि मुझे पता है कि ये ट्रायल है पर मेरे ख्याल से क्या दोनों को एक साथ मज़े नहीं करने चाहिए। ये सुनकर वो दोनों उसे इंकरेज करती है और हिना से कहती है कि माफ़ कर देना पर मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है इसमें। शिवाबू कहती है अगर तुम कुछ ट्राई करना चाहती हो तो हानानोई तुम्हारे लिए जो कर रहा है वो तुम ट्राई करके क्यों नहीं देखती। फिर अगले दिन हिना से अपने घर से आधा घंटा जल्दी निकल जाती है क्योंकि हमेशा हानानोई उसका वेट कर रहा होता है और हिना से उसे सरप्राइज देना चाहती है। पर हानानोई तो उसका वहाँ पे पहले से ही इंतजार कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जल्दी आ गई। तो हिना से मन में सोचती है और कहती है ये सब तो बहुत ही मुश्किल है। अब हिना से फिर से अगले दिन 45 मिनट जल्दी घर से निकल जाती है पर हानानोई पहले से वहाँ होता है। फिर उसके अगले दिन हिना से अपने घर से पूरा 1 घंटा जल्दी निकल जाती है पर तब भी वहाँ पे हानानोई उसका वेट कर रहा होता है। तो हिना से ये देख के कहती है कि तुम यहाँ पे कब से हो। तो हानानोई कहता है बस मैं अभी ही आया हूँ। और ये सुन के हिना से अपने मन में कहती है झूठे। हिना से कहती है अगर तुम ऐसे ही आते रहोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो हानानोई कहता है पर मैं मेरा हर एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सब सुन के हिना से मन में कहती है कि माफ़ करना मुझे पर मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मैं ऐसे प्यार कर पाऊँगी। फिर उसके अगले दिन हिना से अपने घर से पूरा 2 घंटा जल्दी निकल जाती है और कहती है कि इस बार तो पहले मैं ही जल्दी पहुँचूंगी। और यहाँ पे देख के खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हानानोई नहीं होता है। और फिर वहाँ पे वो बैठ जाती है और कहती है कि यहाँ पे बैठ के हानानोई बुक रीड करता है और मेरा वेट करता है। और फिर वो हानानोई के बारे में सोचती है कि हानानोई क्या रिएक्ट करेगा, क्या वो गुस्सा करेगा मुझ पर,
क्या वो खुश हो जाएगा, और यह सोच के वो ब्लश करने लगती है। और तभी वहाँ पे हानानोई आ जाता है और उसे देख के हीना से मन में कहती है, अरे ये तो काफ़ी जल्दी आ गया। हानानोई कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और हीना से कहती है कि मैं कुछ करना चाहती थी एक गर्लफ्रेंड की तरह, इसलिए मैं यहाँ जल्दी आ गई। और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी आ जाते हो, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। हानानोई कहता है, बिल्कुल भी नहीं, पर मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ क्योंकि आज तक कभी किसी ने मेरे लिए वेट नहीं करा। और हीना से कहती है कि जब मैं तुम्हारा वेट कर रही थी तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी कि तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा, और मुझे लगता है कि किसी के लिए वेट करना बहुत ही अच्छा है। और ये सब सुन के हानानोई कहता है, क्या तुम मेरे बारे में सोच रही थी। और ये देख के हीना से भी खुश हो जाती है और मन में कहती है कि शायद अब मुझे समझ आ रहा है कि गर्लफ्रेंड होना क्या होता है। और तभी ही हीना से छिकने लगती है और हानानोई कहता है, क्या तुम ठीक हो। और हीना से कहता है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पे इंतज़ार करवाया, और वो भी छिकने लगता है। और हीना से कहती है कि 2 घंटे इंतज़ार करना तो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो हम लोग यहाँ के कोई पास के स्टोर में इंतज़ार करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हीना से हानानोई को कुछ दिखाती है और इसमें लिखा होता है कि चीज़ें जो हम करना चाहते हैं। और हीना से हानानोई को नोटबुक देके उसे कहती है कि हमें इसमें ये चीज़ें लिखनी चाहिए जो हम साथ में मिलकर करना चाहते हैं, और स्टार्टिंग में हमें इसमें इजी चीज़ें लिखनी चाहिए। फिर हानानोई नोटबुक को देखने लगता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारे साथ क्रॉकर्स लेना चाहती हूँ स्टेशन के पास वाली पचर शॉप से। और नीचे लिखा हुआ होता है कि हम दोनों कोई फूड्स ढूंढते हैं जो हम दोनों को पसंद हो। हानानोई ये सब पढ़ने के बाद कहता है, ये सब तो बहुत ही आसान है। तो हीना से कह दिए, अच्छा चलो अब तुम भी इसमें कुछ लिखो। और हानानोई उसे कुछ लिख कर देता है और इसे पढ़ के हीना से कहती है, क्या बस इतना ही, ये तो बहुत ही आसान है। हानानोई ने उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं जब हम लोग चल रहे होते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। और हीना से मन में कहती है कि जब मैंने हानानोई का हाथ पहली बार पकड़ा वो मुझसे बड़ा और ठंडा था। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें हानानोई दिखाया जाता है, वो अपने हाथ को देख के कहता है कि मुझे तो तुमसे कुछ ज़्यादा ही चाहिए। और उसने लिखा हुआ होता है कि मुझे तो तुम्हें पूरा का पूरा अपना बना लेना है। और फिर यहाँ पर हीना से कहती है कि मुझे हानानोई को डेट करते हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं, धीरे धीरे इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद अब मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। और हानानोई ने अगली थिंग लिखी हुई होती है कि मुझे तुम्हारे साथ क्रिसमस स्पेंड करना है। और नेक्स्ट सीन में क्यों हीना से को प्रेजेंट देती है और कहती है कि मैं तुम्हें क्रिसमस पे नहीं दे सकूंगी, इसलिए मैं तुम्हें अभी से दे रही हूँ। हीना से कहती है कि थैंक यू। और क्यों हीना से पूछती है कि तुम्हारा हानानोई के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है। हीना से कहती है वो बहुत ही अच्छा है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर क्रिसमस 3 दिनों में ही आने वाला है और उसके बाद सब कुछ ही खत्म हो जाएगा अगर मैं उससे प्यार नहीं कर पाई तो। और हाल ही में मैंने उससे पूछा था कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगी तो मैं सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड रह जाऊंगी, तो उसने कहा कोई बात नहीं। तभी एक लड़का हीना से कहता है कि तुम्हें उसे किस करना चाहिए। और हीना से कहती है क्या, और ये लड़का है क्यों का बॉयफ्रेंड क्योगो। क्योगो कहता है अगर तुम किसी को पसंद नहीं करते हो तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा तो तुम पीछे हट जाओगी जैसे तुमने अभी करा। और वो कहने लगता है कि मैं भी ऐसा ही करता हूँ, हमारे डेट करने से पहले इसने मुझे किस कर लिया था। और क्यों इसे पकड़ लेती है और कहती है कि हीना से तुमने अभी जो भी सुना वो तुम भूल जाओ। और ये कहने लगता है हानानोई तो अच्छा ही लड़का है और पूरे क्लास में मैंने इमेज नहीं किया था वो थोड़ा सा अनफ्रेंडली रहता है और मेरे क्लास के लड़कों को लगता है कि वो तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। और ये बात सुन के क्यों इस मुँह पर एक पंच मार देती है और हीना से को सॉरी कहने लगती है। और क्यों कहती है वैसे मुझे भी हानानोई समझ में नहीं आता और उसका टेस्ट अच्छा है अगर उसने तुम्हें पसंद करा है तो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ इसमें। और ये सब हानानोई दूर से देख रहा होता है। स्कूल के बाद हीना से हानानोई को देखती है और वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें आज कहा था कि तुम मेरे बिना घर चले जाना। और हानानोई कहता है पर ये क्लास का आखिरी दिन है और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो हीना से मुस्करा कर कहती है तो क्या मेरे साथ स्टोर चलना पसंद करोगे। फिर वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आकर कहती है अरे हानानोई की गर्लफ्रेंड तो कितनी बोरिंग है। और ये सुन के हानानोई उनको गुस्से से देखने लगता है और वो देख के भाग जाती है। और फिर हानानोई हीना से को अपने घर पे बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चेंज होता है सीन और वो लोग हानानोई के घर पे होते हैं और हीना से कहती है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा ही तुम्हारा घर है। और फिर हानानोई से हीना से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं। तो हानानोई कहता है कि वो ओवरसीज के लिए बाहर जाते रहते हैं। तो हीना से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स आखिर करते क्या है। तो वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स दोनों ही डॉक्टर्स हैं। तो वो कहती है अच्छा तो तुम घर पे अकेले रहते हैं। तो वो कहता है नहीं मेरी ग्रैंड मदर है जो मुझे कभी कभी वीकेंड्स में देखने आ जाती है। हानानोई कहता है कि माफ़ करना पर अभी खाने में घर में कुछ भी नहीं है तो क्या तुम सुशी ऑर्डर करना चाहोगे। तो हीना से कहती है क्या सुशी कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा। हाँ मुझे पता है ज़्यादा हो जाएगी पर मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तो हीना से को कहता है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारे और मेरे लिए टी लेके आता हूँ, तुम जाओ और मेरे कमरे में इंतज़ार करो। तो हीना से कहती है चलो कोई बात नहीं।
और फिर वो हना नानी का रूम देख के शौक हो जाती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी किताबें होती है। और फिर वो किताबें देखने लगती है और फिर वो किताबें देखने के बाद एक ब्लू कर्टन के पास जाती है और वो देखने लगती है कि इसके पीछे आखिर क्या होगा। और वो उसे खोलने ही चाहती होती तभी वहाँ पे हना नानी आ जाता है, उसे रोक लेता है। तो हिना से कहती है माफ़ कर देना, तो वो कोई बात नहीं, अगर तुम देखना चाहती हो तो देख लो, वो मेरी हटारू का साइन है। तो हिना से कहती है क्या मेरा साइन, पता नहीं इसके पीछे क्या होगा। वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नेक्स्ट में ये लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं और हना नानी कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, हम तो सिर्फ एक ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता, ये तो मुझे एक रैंडम पर्सन की तरह भीड़ में हूँ ऐसा लगेगा, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनना चाहता हूँ। तो हिना से कहती है कि अगर स्पेशल नहीं बन पाए तो हना नानी कहता है तो फिर मुझे तुम कभी नहीं देख पाओगे। हिना से कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम मुझे किस करने का ट्राई करोगे। और ये सुन के हना नानी खांसने लगता है और वो हड़बड़ा जाता है। हिना से कहते हैं कि मेरा मतलब वैसा नहीं था, मेरा मतलब ऐसा था कि तुम अपना फेस मेरे नज़दीक लाना। मेरी एक फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा था कि इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम उससे प्यार करती हो या नहीं। और हना नानी मान जाता है और हिना से कहता है कि अपनी आँखें बंद करो। तो हिना से कहती है ओके, और आँख बंद करने के बाद हिना से मन में कहती है कि ऐसा तो मुझे नर्वस फील हो रहा है। और फिर हना नानी उसके पास जाता है और उसके कान में कहता है कि तुम्हें किसी को भी ऐसे करने नहीं देना चाहिए अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो। और फिर हना नानी बोलता है कि तुम्हारे लिए भले ये कुछ ना हो पर मेरे लिए तुम्हारा हाथ पकड़ना और तुम्हें टच करने से ही मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़का। हना नानी हिना से के एकदम करीब आ जाता है। और यहाँ इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 की यहाँ पे एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए बाय गाइस।